हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल प्रभा ऑनलाइन क्लासेस में। आज हम लोग देखने वाले हैं कंप्यूटर के मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस, जो कि सारे के सारे सीजी व्यापम एग्ज़ाम्स में आए हुए हैं। ठीक है, तो आपको वीडियो को लास्ट तक देखना है और इसको हम लोग रैपिड फायर की तरह सॉल्व करने वाले हैं, इसीलिए आपको हर प्रश्न का सही सही जवाब देना है और 30 में से कितने प्रश्न आए आपके मुझे कमेंट करके ज़रूर से बताना है। ठीक है, तो चलिए बिना देरी के क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न देखिए, कंप्यूटर का दिमाग किसे कहते हैं, आपको बताना है। रोम, सीपीयू, रैम या सीडी ड्राइव, तो किसे कहते हैं कंप्यूटर का दिमाग? कंप्यूटर का दिमाग कहते हैं सीपीयू को। सीपीयू सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, फुल फॉर्म याद रखेंगे सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। ऑप्शन नंबर बी विल बी द करेक्ट आंसर। कंप्यूटर का दिल किसको कहते हैं? दिमाग देख लिया, अब दिल भी देख लेते हैं, तो कंप्यूटर का दिल कहते हैं मदरबोर्ड को। ओके, कैसे याद किए थे हम लोग इसको, मैंने जब थ्योरी क्लास में करवाया था तो माँ का दिल बहुत बड़ा होता है। कैसे याद किए थे? माँ का दिल बहुत बड़ा होता है, इसीलिए कंप्यूटर का दिल कौन सा हो जाएगा? मदरबोर्ड। सेकंड प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा एक ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है, आपको बताना है। डीबीएमएस, लिनक्स, एमएस डॉस, एमएस विंडोज, तो क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर? ऑप्शन नंबर ए डीबीएमएस विल बी द करेक्ट आंसर। ओके, थर्ड प्रश्न चलते हैं, निम्न में से इनपुट डिवाइस कौन सी है, आपको बताना है, जिससे हम इनपुट देते हैं। मॉनिटर एक आउटपुट डिवाइस है, ये तो गलत हो गया। प्रोजेक्टर एक आउटपुट डिवाइस है, यह भी गलत हो गया। प्रिंटर, प्रिंटर एक आउटपुट डिवाइस है, जिससे हम प्रिंट निकालते हैं, वह क्या हो जाता है? प्रिंटर है, तो यह भी गलत हो गया। लेकिन स्कैनर, स्कैनर से हम क्या करते हैं? स्कैनिंग करते हैं, और यह एक इनपुट डिवाइस है। ओके, अगला प्रश्न देखिए, निम्न में से आउटपुट डिवाइस कौन सी है, आपको बताना है। कीबोर्ड, माउस, प्रोजेक्टर या माइक्रोफोन। कीबोर्ड से हम इनपुट देते हैं, तो यह तो गलत हो जाएगा, आउटपुट डिवाइस है। माउस, माउस एक प्रकार का आउटपुट डिवाइस है। प्रोजेक्टर, सॉरी, इनपुट डिवाइस है। प्रोजेक्टर क्या है? प्रोजेक्टर एक आउटपुट डिवाइस है। ठीक है, प्रोजेक्टर किसको बोलते हैं? जैसे बड़े बड़े स्कूल कॉलेज रहते हैं उसमें पढ़ाते हैं ना, जिसमें प्रोजेक्टर लगा के, वही प्रोजेक्टर हो जाएगा। कंप्यूटर का हिंदी नाम क्या है, आपको बताना है। बेसिक बेसिक क्वेश्चंस है, मत समझना, आगे हम लोग टफ लेवल में जाने वाले हैं और यही बेसिक क्वेश्चन एग्जाम में आए हुए थे और एग्जाम में कंफ्यूजन क्रिएट करते हैं। ओके, तो सारे के सारे क्वेश्चंस को देखना है, तो कंप्यूटर का हिंदी नाम क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी संगणक। कंप्यूटर को हिंदी में कहते हैं संगणक। ओके, कंप्यूटर की दूसरी पीढ़ी में निम्न में से किसका इस्तेमाल किया गया है, आपको बताना है। आईसी का, ट्रांजिस्टर का, वैक्यूम ट्यूब या माइक्रो प्रोसेसर। तो दूसरी पीढ़ी की बात हो रही है, दूसरी पीढ़ी में क्या इस्तेमाल किया गया था? आईसी का। ओके, याद रखेंगे आईसी इंटीग्रेटेड चिप का इस्तेमाल हुआ है। कंप्यूटर की पहली पीढ़ी में किसका इस्तेमाल हुआ है, आपको बताना है। आईसी का, ट्रांजिस्टर का, वैक्यूम ट्यूब या माइक्रो प्रोसेसर। तो पहली पीढ़ी में क्या इस्तेमाल हुआ है? पहली पीढ़ी में वैक्यूम ट्यूब का इस्तेमाल हुआ है। कंप्यूटर की पहली पीढ़ी कब आई थी? 1941 से 1955 के बीच। ओके, और इसमें क्या इस्तेमाल हुआ था? मशीनी भाषा का इस्तेमाल हुआ था। याद रखेंगे कंप्यूटर की पहली पीढ़ी में मशीनी भाषा का इस्तेमाल हुआ था। अगला प्रश्न देखिए फटाफट, काउंट करते चलेंगे ना। विश्व कंप्यूटर साक्षरता दिवस कब मनाया जाता है, आपको बताना है। 15 दिसंबर, 17 जुलाई, 7 जुलाई या 2 दिसंबर। तो विश्व कंप्यूटर साक्षरता दिवस कब मनाया जाता है? 2 दिसंबर को। ऑप्शन नंबर डी विल बी द करेक्ट आंसर। 1 दिसंबर को क्या मनाया जाता है? 1 दिसंबर को विश्व एड्स दिवस मनाते हैं। ठीक है, एड्स दिवस कब मनाते हैं? 1 दिसंबर को। 2 दिसंबर को मनाते हैं कंप्यूटर साक्षरता दिवस, जस्ट एक दिन बाद। नोट पैड का एक्सटेंशन क्या होता है, आपको बताना है। डॉट डॉक्स, डॉट txt, डॉट pdf या डॉट PPT। तो देखो, मैंने आपको थ्योरी क्लास में बताया था हरिराम पटेल सर की MCQ वाले क्लास में ना, अगर आपने नहीं देखा है तो मैं आई बटन में लिंक दे दूंगी, वहाँ से एक बार चेकआउट कर लेना, क्योंकि हरिराम पटेल सर के बुक से भी बहुत सारे क्वेश्चंस फंसते हैं। तो डॉट डॉक्स किसका होता है? ये तो आपका MS वर्ड का होता है। ठीक है, MS वर्ड का डॉट डॉक्स होता है। डॉट PDF यह PDF का होता है। डॉट PPT किसका होता है? पावर पॉइंट का होता है। ठीक है, लेकिन डॉट TXT किसका होता है?
नोटपैड का, ओके ध्यान रखेंगे डॉट टीएक्सटी नोटपैड का होता है। अगला प्रश्न देखो, बूटिंग का मतलब क्या होता है? कंप्यूटर को रीस्टार्ट करना, कंप्यूटर को बंद करना, प्रोग्राम को रीस्टार्ट करना, या प्रोग्राम कंप्यूटर को ओपन करना। तो बूटिंग का अर्थ होता है कंप्यूटर को रीस्टार्ट करना, ओके याद रखेंगे कंप्यूटर को रीस्टार्ट करना बूटिंग कहलाता है, ओके। एक और याद रख लीजिए आप लोग, बग, बग मतलब क्या होता है? बग मतलब होता है एरर फाइंड करना, ये भी क्वेश्चन बहुत ज़्यादा एग्जाम में पूछता है, बग मतलब होता है एरर फाइंड करना। और डीबग, डीबग होता है एरर को हटाना, ठीक है एरर को हटाना डीबगिंग कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एक हार्डवेयर डिवाइस जो डेटा को अर्थपूर्ण इन्फॉर्मेशन में परिवर्तित करता है वह कौन सी है, आपको बताना है। तो अर्थपूर्ण डेटा में परिवर्तित कौन करता है? प्रोटेक्टर, आउटपुट डिवाइस, इनपुट डिवाइस या प्रोसेसर। तो कौन करता है? ऑप्शन नंबर डी, प्रोसेसर। इनपुट डिवाइस तो इनपुट देने का काम करती है, आउटपुट डिवाइस हमको आउटपुट देती है, ठीक है आंसर क्या हो जाएगा? प्रोसेसर। अगला प्रश्न देखो, वह सूचना जो किसी बाहरी स्रोत से आती है और कंप्यूटर सॉफ्टवेयर में फीड की जाती है, उस सूचना को क्या कहते हैं? देखो क्या बोल रहा है, जैसे कि आपने कुछ सूचना दिया तो बाहरी सूचना से आया और कंप्यूटर में फीड हो गया, उसको क्या बोलेंगे? जो यहाँ से आया उसी को तो इनपुट कहते हैं ना, जो बाहर से आता है मतलब हम जो इनपुट देते हैं, सूचना देते हैं, उसी को तो इनपुट कहते हैं। तो आंसर क्या हो जाएगा? इनपुट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, सीपीयू और आईओ के बीच सिग्नल के संचलन को कौन नियंत्रित करता है, आपको बताना है। तो सीपीयू और आईओ के बीच सिग्नल के संचलन के नियंत्रित, यहाँ पे वर्ड क्या आया है? नियंत्रित, नियंत्रित करना मतलब कंट्रोल करना। तो कंट्रोल कौन करता है? कंट्रोल यूनिट करता है। शब्द को ध्यान रखेंगे, इसमें शब्द का खेल बहुत रहता है, ठीक है। तो नियंत्रित कौन करता है? कंट्रोल यूनिट, ओके। बेसिक कंप्यूटर प्रोसेसिंग चक्र में खाली स्थान शामिल होता है, आपको बताना है। कंप्यूटर के प्रोसेसिंग चक्र में क्या होते हैं? कंप्यूटर के प्रोसेसिंग चक्र में होते हैं, सबसे पहले इनपुट दिया जाता है, ठीक है इनपुट दिया जाता है, उसके बाद यहाँ पे बीच में होता है प्रोसेसिंग, ओके प्रोसेसिंग क्रिया होती है, उसके बाद में हमको आउटपुट निकल के मिलता है, ठीक है। तो क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर? ऑप्शन नंबर सी, इनपुट होता है फिर प्रोसेसिंग होता है, उसके बाद आउटपुट देखने को मिलता है, ठीक है। तो बेसिक कंप्यूटर प्रोसेसिंग चक्र क्या हो गया? इनपुट, प्रोसेसिंग और आउटपुट। अगला प्रश्न देखिए, इलेक्ट्रॉनिक प्रारूप में पुस्तकों को क्या कहा जाता है, आपको बताना है। इलेक्ट्रॉनिक प्रारूप, मैंने इसका ईमेल वाले चैप्टर में पूरा डिटेल में बताया था। जैसे एक होता है ई कॉमर्स, तो ई कॉमर्स क्या होता है? जैसे कि ऑनलाइन हम लोग खरीदी बिक्री करते हैं, जैसे अमेजोन, मीशो, जो भी वेबसाइट से आप करते हैं, वो क्या किस कैटेगरी में आती है? तो ई कॉमर्स की कैटेगरी में आती है। वैसे यहाँ पे ई मेल होता है, एक ठो ई मेल होता है, ई मेल का फुल फॉर्म क्या हो जाता है? इलेक्ट्रॉनिक मेल। तो यहाँ पे क्या बोल रहा है? इलेक्ट्रॉनिक प्रारूप में पुस्तकें, ई बुक्स अवेलेबल रहती है ना, उसी को पूछ रहा है। ई बुक्स को क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रॉनिक प्रारूप में पुस्तकों को बोलते हैं ई बुक्स, ओके। अगला प्रश्न देखिए, कंप्यूटर स्क्रीन में दिखने वाली सबसे छोटी इकाई क्या होती है, आपको बताना है। बिट, बाइट, पिक्सल या कैरेक्टर। तो सबसे छोटी इकाई यहाँ पे बोला है कंप्यूटर स्क्रीन की ना, कहाँ पे पूछा है ये भी आप ध्यान रखेंगे। अगर मेजरमेंट की सबसे छोटी इकाई किससे मापते हैं ऐसा पूछता तो क्या बोलते हम लोग? बिट का यूज़ करते। लेकिन यहाँ पे स्क्रीन में दिखने वाली इकाई की बात हो रही है, तो क्या आएगा आंसर? ऑप्शन नंबर सी, पिक्सल विल बी द करेक्ट आंसर। जब आप स्क्रीन को बहुत ज़्यादा जूम करते हैं, कभी करके देखना, फोटोज़ को ज़्यादा जूम करके देखना या कंप्यूटर स्क्रीन को या कुछ भी चीज़ को, तो उसमें छोटे छोटे डॉट दिखाई देते हैं, ठीक है छोटे छोटे डॉट दिखाई देते हैं, यही क्या कहलाते हैं? पिक्सल्स कहलाते हैं, ओके। बहुत सारे पिक्सल से मिल करके एक इमेज बना होता है। निर्देशों का समूह क्या हो कहलाता है, आपको बताना है। सॉफ्टवेयर, हार्डवेयर, फ्लो चार्ट या प्रोग्राम। तो निर्देशों के समूह को क्या कहते हैं? निर्देशों का समूह कहलाता है प्रोग्राम, ओके। निर्देशों का समूह क्या कहलाता है? बहुत सारे निर्देश मिलकर के बनते हैं प्रोग्राम, और बहुत सारे प्रोग्राम मिलकर के बनते हैं सॉफ्टवेयर। याद रखेंगे, ये भी क्वेश्चन आ सकता है। निर्देशों के समूह को प्रोग्राम कहते हैं, प्रोग्राम के समूह को सॉफ्टवेयर कहते हैं। एक चीज़ मैंने आपको और बताया था, बहुत सारे नियमों का समूह, बहुत सारे नियमों के समूह को क्या कहते हैं?
प्रोटोकॉल कहते हैं, ठीक है। क्या कहते हैं? प्रोटोकॉल, नियमों के समूह को प्रोटोकॉल कहते हैं और निर्देशों के समूह को प्रोग्राम कहते हैं। ओके, जॉयस्टिक का इस्तेमाल कब किया जाता है, कहाँ किया जाता है, आपको बताना है कि मतलब किस लिए करते हैं, गेमिंग के लिए, मौसम का पूर्वानुमान लगाने के लिए, प्रोग्रामिंग के लिए या पब्लिशिंग के लिए। तो जॉयस्टिक, आप लोग गेम खेलते होंगे उसमें आप इस्तेमाल करते हैं जॉयस्टिक को, ठीक है, आपको पता होना हो, बट आप गेमिंग के लिए जॉयस्टिक का इस्तेमाल करते हैं। एक वर्ड और आता है कंप्यूटर में, ट्रैक बॉल का, ठीक है, ट्रैक बॉल। तो ट्रैक बॉल किसकी तरह काम करता है, ऐसा क्वेश्चन आता है ना, ये माउस की तरह काम करता है, ठीक है। माउस के बीच में एक गोला बना होता है, देखिए होंगे, जिसमें रेड कलर की लाइट जलती है, उसी को ट्रैक बॉल कहते हैं। तो ट्रैक बॉल के बारे में दो तीन पॉइंट याद रखना, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये। यह एक प्रकार का इनपुट डिवाइस है और यह एक किस तरह काम करता है, माउस की तरह काम करता है। ओके, चलो अगला प्रश्न देखते हैं। निम्न में से एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर कौन सा है, बताना है, कंपाइलर, असेंबलर, डिबगर या MS पेंट। तो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर क्या होते हैं, जो किसी स्पेसिफिक पर्पस के लिए यूज़ होते हैं उसको एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर कहते हैं, और जो सिस्टम में, कंप्यूटर में इनबिल्ड रहते हैं उसको सिस्टम सॉफ्टवेयर कहते हैं, ये मैंने आपको बता रखा है। तो देखो, इसमें से स्पेसिफिक पर्पस के लिए कौन यूज़ होता है, कंपाइलर होता है क्या? कंपाइलर क्या करता है, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, ठीक है, प्रोग्रामिंग सॉफ्टवेयर है, जो एक भाषा से दूसरी भाषा में कन्वर्ट करने का काम करता है। असेंबलर भी वही काम करता है, असेंबलर क्या करता है, असेंबली लैंग्वेज में लिखे प्रोग्रामों को मशीनी भाषा में कन्वर्ट करता है। डिबगर क्या करता है, एरर को फाइंड करता है। लेकिन MS पेंट क्या होता है, सिर्फ और सिर्फ आप पेंटिंग के लिए यूज़ कर सकते हैं, ठीक है, बचपन में आपने किया भी होगा कंप्यूटर में। तो MS पेंट का यूज़ हम लोग कब करते हैं, पेंटिंग करने के लिए, ठीक है। वह प्रोग्राम जो उच्च स्तरीय भाषा को मशीनी भाषा में बदलता है उसे क्या कहते हैं, तो उच्च स्तरीय भाषा को मशीनी भाषा में बदलता है असेंबलर, कंपाइलर, इंटरप्रेटर या नन ऑफ दी अबव। तो देखो, असेंबलर क्या होता है, जो असेंबली लैंग्वेज में लिखे हुए प्रोग्राम को मशीनी लैंग्वेज में कन्वर्ट करता है उसको असेंबलर कहते हैं। कंपाइलर क्या करता है, ये हाई लेवल लैंग्वेज मतलब उच्च स्तरीय भाषा में लिखे गए प्रोग्राम को मशीनी लैंग्वेज में बदलता है, ठीक है। इंटरप्रेटर क्या कहते हैं, हाई लेवल लैंग्वेज में लिखे गए प्रोग्राम को मशीनी भाषा में बदलता है। लेकिन इन दोनों में डिफरेंस क्या है, कंपाइलर जो होता है वह एक बार में ही पूरे पेज को रीड करता है, ठीक है, एक जितना बड़ा पेज है उसको एक बार में ही एरर फाइंड करके बता देगा। लेकिन कंपाइलर क्या करता है, पहले इस लाइन को पढ़ेगा, फिर दोबारा इस लाइन को पढ़ेगा, ऐसे यहाँ एक एक करके पढ़ता है, ठीक है। तो अगर आपको एग्ज़ाम में आंसर लेना हो तो आप क्या लेंगे, कंपाइलर विल बी द मोस्ट चूजन आंसर, ठीक है, सबसे ज़्यादा इसी को मान्य करेंगे। उच्च स्तरीय भाषा को मशीनी भाषा में बदलने वाला प्रोग्राम कौन सा हो जाएगा, कंपाइलर। ओके, HTTP का पूरा नाम क्या है आपको बताना है। तो यहाँ पे देख लो, इतना सारा लिखा हुआ है, मैं आप खाली आंसर बता दे रही हूँ। HTTP का पूरा नाम होता है हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, ऑप्शन नंबर सी विल बी द करेक्ट आंसर, ठीक है। फुल फॉर्म वाले में आप हमेशा एक चीज़ याद रखेंगे, आप हमेशा इंग्लिश वाले को देखा कीजिए, ठीक है। हिंदी में तो मतलब मैं पर्सनली अपना बता रही हूँ, हिंदी में तो सारे मुझे टेक्स्ट सेम ही दिखाई देते हैं, इससे बेटर क्या है, इंग्लिश वाले को देखा कीजिए, उससे गलतियाँ नहीं होगी। देखिए सारे लेटर सेम दिखाई दे रहे हैं, यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। ओके, अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी वैज्ञानिक कंप्यूटर भाषा है, आपको बताना है, वैज्ञानिकों के लिए इनमें से कौन सी कंप्यूटर भाषा है। तो कोबोल क्या चीज़ के लिए यूज होता है, कोबोल होता है बिजनेस पर्पज़ के लिए, ठीक है, ध्यान से सुनना, ये चीज़ एग्ज़ाम में आता है। कोबोल क्या चीज़ के लिए यूज़ होता है, बिजनेस पर्पज़ के लिए हम कोबोल का यूज़ करते हैं। बेसिक क्या होता है, जितने भी हाई लेवल लैंग्वेज है, जैसे कि कोबोल हो गया, फोर्ट्रॉन, पास्कल, ये सभी को मतलब मनुष्य के समझने योग्य में कन्वर्ट करता है, कौन, बेसिक लैंग्वेज, ठीक है। पास्कल क्या करता है, पास्कल जो होता है वह एजुकेशन पर्पज़ के लिए यूज़ होता है, पास्कल। ओके, लेकिन फोटोन क्या होता है, वैज्ञानिकों यानी कि साइंटिस्ट के लिए यूज़ होता है, क्या चीज़, प्रोग्राम फोटोन, ठीक है, याद रखेंगे सारे पॉइंट्स। एक मेगाबाइट में कितने बाइट होते हैं, आपको बताना है, एक MB में कितने बिट होते हैं, 1024 KB। तो देखो, मैं यहाँ पे बता देती हूँ, 1 MB बराबर होता है 1024 KB, और 1024 KB बराबर होता है 1 MB,
और 1024 MB बराबर होता है 1 GB, है ना, 1 यहाँ पे, फिर 1024 GB बराबर होता है 1 TB और 1024 TB बराबर होता है 1 PB। ठीक है, ये मैं आपको डिटेल में अगले या अगले वीडियो में तो नहीं, एक सप्ताह बाद जब इसका एग्ज़ाम हो जाएगा ना पुलिस आरक्षक का, उसके बाद आपको डिटेल में बताऊंगी। ठीक है, निम्न में से हार्डवेयर डिवाइस कौन सी नहीं है आपको बताना है। तो मॉनिटर एक हार्डवेयर डिवाइस है, CPU एक हार्डवेयर डिवाइस है, माउस क्या है, एक हार्डवेयर डिवाइस है, लेकिन एक्सेल क्या है, यह एक प्रकार का एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। ठीक है, डॉस का पूरा नाम क्या है आपको बताना है। तो ये सारे ऑप्शन दिए गए हैं, आंसर क्या हो जाएगा, डॉस मतलब होता है डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम। ठीक है, फिर से बोल रही हूँ, डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम। कीबोर्ड में फंक्शन की संख्या कितनी होती है आपको बताना है, ये शायद महिला पर्यवेक्षक में आया हुआ प्रश्न है। ठीक है, मैंने जब एग्ज़ाम दिया था उस समय ये वाला प्रश्न आया था, तो फंक्शन की संख्या कितनी होती है, फंक्शन की किसको बोलते हैं, F1 से ऐसा करके देखना, कंप्यूटर में ऊपर की तरफ रहता है, तो कंप्यूटर में F1 से लेके F12 तक के यहाँ पे बटन्स होते हैं। ठीक है, तो कितने बटन्स हो गए हैं, 12, लेकिन आजकल जो आ रहे हैं शायद लैपटॉप या पता नहीं कौन से वाले हैं उसमें 13 रहते हैं। ठीक है, तो व्यापम कौन सा आंसर लेगा नहीं पता, बट कंप्यूटर के हिसाब से चलेंगे तो 12 फंक्शन की होते हैं। ओके, ध्यान रखना आप लोग। भारत में इंटरनेट की शुरुआत कब हुई आपको बताना है, 1994, 1995, 1996 या 1997। तो इंटरनेट की शुरुआत भारत में हुई थी 1995 में। ठीक है, डॉक्यूमेंट को सेव करने के लिए किस कमांड का इस्तेमाल किया जाता है आपको बताना है। तो डॉक्यूमेंट को सेव करना है तो मैं आपको यहाँ पे लिख के बताती हूँ, Ctrl+S करेंगे तो हो जाता है सेव, और Ctrl+C करेंगे तो क्या होता है, Ctrl+C करेंगे तो कॉपी होता है। ध्यान से देखना, मुझे अच्छे से लिखते नहीं बन रहा है यहाँ पे, Ctrl+C करेंगे तो कॉपी, और Ctrl+X करेंगे तो क्या हो जाता है, अंडू हो जाता है। ठीक है, सॉरी कट हो जाता है, कट, Ctrl+X करेंगे तो कट होता है, Ctrl+Y करेंगे तो अंडू हो जाता है। ठीक है, तो ये सब चीज़ ध्यान रखेंगे। यहाँ पे देखो Ctrl+P मतलब क्या हो जाता है, प्रिंट करने के लिए Ctrl+P का प्रयोग करते हैं। ठीक है, तो सारा चीज आपको ध्यान रखना है, शॉर्टकट कीज में आता है ये। अगला प्रश्न देखिए, WWW का आविष्कार किसने किया था आपको बताना है, टीम बर्नर्स-ली, बिल गेट्स, ब्रेट ली या जॉन सीना। तो WWW का आविष्कार किसने किया था, टीम बर्नर्स-ली, इसका फुल फॉर्म भी पूछता है कभी कभी। तो WWW का फुल फॉर्म होता है वर्ल्ड वाइड वेब। ठीक है, क्या होता है, वर्ल्ड वाइड वेब। ये तो हमने देख लिया, कंप्यूटर का दिमाग किसको कहते हैं, CPU को। अगला प्रश्न है, कंप्यूटर साक्षरता दिवस कब मनाया जाता है आपको बताना है। तो कब मनाया जाता है, 2 दिसंबर को। कब मनाया जाता है, 2 दिसंबर, ये रिपीट हो रहा है क्या क्वेश्चन। और 1 दिसंबर को क्या मनाया जाता है, मैंने बताया क्या, 1 दिसंबर को एड्स दिवस मनाया जाता है। विश्व एड्स दिवस कब मनाते हैं, 1 दिसंबर को, और कंप्यूटर साक्षरता दिवस 2 दिसंबर को मनाते हैं, जस्ट एक दिन बाद। ओके, भारत में सबसे पहले किस कंप्यूटर को बनाया गया था आपको बताना है, परम, सुपर, सिद्धार्थ या गौतम। तो भारत में सबसे पहले किस कंप्यूटर को बनाया गया, कंप्यूटर सिद्धार्थ को। कब बनाया गया था, 16 अगस्त 1984 में। किसको बनाया गया, भारत के सबसे पहले कंप्यूटर 16 अगस्त 1984 में बनाया गया, जो कि कौन सा था, सिद्धार्थ था। सबसे पहले कंप्यूटर का नाम क्या था आपको बताना है, तो एटलस, विंडोज, लिनक्स या इनियक। तो सबसे पहले कंप्यूटर का नाम था इनियक। ठीक है, फुल फॉर्म भी पूछता है, इसका फुल फॉर्म डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी, कमेंट बॉक्स चेक कर लेना एक बार। कंप्यूटर का जनक या पिता किसको कहते हैं आपको बताना है, ये तो एकदम बेसिक क्वेश्चन आ गया, एलन ट्यूरिंग, चार्ल्स बैबेज, स्टीव जॉब्स या वैन न्यूमैन। तो क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर, Option number B, चार्ल्स बैबेज विल बी द करेक्ट आंसर। ठीक है, तो फ्रेंड्स मज़ा आ गया सॉल्व करने में, कैसा लगा मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर से बताना, सेकेंड पार्ट अगर चाहिए तो वह भी कमेंट करना, साथ ही आपको किस सब्जेक्ट से रिलेटेड और कौन से टॉपिक से रिलेटेड वीडियो चाहिए यहाँ भी कमेंट कर दिया करो, ताकि मुझे वीडियो बनाने में आसानी हो सके। ठीक है, और मेरी वीडियोस कैसी लगती है, कुछ इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है क्या, यह भी बताना, और अच्छे अच्छे कमेंट्स करना। वीडियो लास्ट से देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।